नमस्ते बच्चों, आशा करता हूँ आप सब लोग अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं टीचर हूँ, मेरा नाम है रवि। जैसे कि आप लोग जानते हो, कोरोना पैंडेमिक के कारण आपकी ऑफलाइन क्लासेस बंद थी और आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है। और मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊँगा। ये अपनी मैथ्स की बुक है, आप लोगों ने परचेज तो कर ही ली होगी। इसमें आज अपन चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। नाम है लर्निंग बेसिक। अपन को बेसिक सीखना है। बेसिक क्या होता है मैथ में? काउंटिंग। और इससे रिलेटेड कुछ भी और जो भी होगा वो अपन इस चैप्टर में सीखेंगे। तो ये अपने पास में दिया हुआ है पेज नंबर 3, आप लोग ओपन कर लीजिए। ये कितना फिंगर है? 1, ये 2, फिर 3, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 5, फिर 6 के बाद में 7, 8, 9, 10 हो गए फिंगर्स। 10 फिंगर्स हो गए यहाँ तक, 1 to 10, 10 फिंगर्स हो गए यहाँ तक। और नेक्स्ट देखते हैं अपन, अब ये एलिफेंट कितने हैं? 1, यहाँ पे 1 इस सर्किल में फिल कर दिया आपने। यहाँ पे भी इन सर्किल्स में अपन को फिल करना था काउंटिंग, वो अपन फिल कर लेंगे। मैंने तो ऑलरेडी यहाँ पर फिल कर रखा है, देखो। तो आपको जितने फिंगर दिखे उस हिसाब से आप फिल कर लीजिए, ठीक है। और बी वाला स्टार्ट करवा रहा हूँ मैं। इसमें भी ये जो ऑब्जेक्ट अपन को दिया हुआ है ना, ये जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है इनको काउंट करना है और ये जो सर्किल है इसमें फिल करना है। काउंट करेगी कितने नंबर्स है, कितनी संख्या है इनकी, है ना। एलिफेंट कितना है? 1। काइट कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 यहाँ पे फिल कर लेंगे। रैबिट कितने हैं? 1, 2, 3, 3 फिल कर लेंगे। प्लेन कितने हैं? एयरप्लेन 1 और 2, 2 फिल कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट है बटरफ्लाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 फील कर लेंगे। फिश देखेंगे आगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 काउंट में लिख लेंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 4 पे आ जाइए। पेज नंबर 4 पे भी कोई ऑब्जेक्ट्स दे रखे अपन को, इनको भी काउंट करना है और इस सर्किल में फिल करना है कि ये कितनी है। जैसे ये देखूँगा मैं कितने इरेजर है, सॉरी बुक है ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये 9 यहाँ पे फिल कर लेंगे, ठीक है ना। 9 यहाँ पे फिल कर लेंगे। सॉफ्टी कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 आइसक्रीम फिल कर लेंगे यहाँ पे, है ना। कितनी 10 है ना। ब्रिंजल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 है, तो यहाँ पे 8 फिल कर लेंगे। नेक्स्ट कैंडल। अब है काउंट एंड मैच, काउंट करना है और फिर उसके बाद में अपन को मैच करना है। बीच में काउंटिंग दी हुई है, ये वाली काउंटिंग्स दी हुई है, इधर पिक्चर्स दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट इनको काउंट करके इसमें मैच कर देंगे अपन, है ना। वो कैसे करेंगे देखिए, कैंडल कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 है, तो मैं 10 से मैच कर दूंगा, ठीक है। मग कितने हैं? 1, 2, तो ये 2 से मैच कर दिया मैंने। एप्पल कितनी है? 4, यह 4 से मैच कर दिया मैंने। पम्पकिन कितने हैं? 1 से मैच कर दूंगा मैं। टोमेटो 3, 1, 2, 3 है ना, तो 3 से मैच कर देंगे। शिमला मिर्च कितनी है? 5, 1, 2, 3, 4, 5 है, 5 से मैच कर देंगे। पेन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 से मैच कर देंगे। नेक्स्ट स्पैरो कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 स्पैरो है ना, 7 स्पैरो को 7 से मैच कर देंगे, ये मैंने मैच कर दिया। बनाना कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो
एट से मैच कर देंगे। नेक्स्ट डाइस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 से मैच कर देंगे। तो इस तरीके से ये सब मैच कर लेने हैं अपन को, ठीक है। आप लोगों को भी ये मैच करने हैं। नेक्स्ट अपने पास में दिया हुआ है डी, मैच 1-1 द ऑब्जेक्ट्स ऑफ कलेक्शन विद द ऑब्जेक्ट्स ऑफ कलेक्शन बी। ऐसे बी को मैच करना है, क्रॉस द कलेक्शन विद मोर ऑब्जेक्ट्स, और जिसमें ऑब्जेक्ट ज़्यादा है ना उसको क्रॉस कर देना है। जैसे अपन को पहले एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट है, कितने बॉल है, 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो 4 को तो इन्होंने मैच कर दिया, पर इसमें एक ज़्यादा रह गया ना, देखो ये लेफ्ट रह गया, बीच में छूट गया वाला ना, ये वाली बॉल छूट गई, तो इसको क्रॉस कर दिए क्योंकि इसमें एक बॉल ज़्यादा है, इसलिए इस वाले को क्रॉस कर दिया इन्होंने। अब इसमें देखेंगे कितने लट्टू ये 1 2 3 4 5 6 7 7 है ना, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 है, तो पहले इनको मैच कर देंगे डायरेक्टली सीधे सीधे। एक रह गया इसमें भी, तो इसको कर देंगे क्रॉस, ठीक है। नेक्स्ट कितने रॉकेट हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो पहले मैच कर देंगे तो छूट जाएंगे, फिर इसको क्रॉस करना है। इसमें छूट गए ना दो, तो यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, इसमें ज़्यादा होंगे ना उस वाले ग्रुप को क्रॉस कर देना है। ये मैंने जैसे इसको क्रॉस कर दिया, इस वाले ग्रुप को क्रॉस कर दिया, ये ऑलरेडी क्रॉस करा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, इन इच रो क्रॉस द वन विच इज डिफरेंट, तो ये जो रो दी हुई है, एक पंक्ति दी हुई है ना, ये वाली, ये पूरी लाइन दी हुई है, इसमें जो कुछ अलग दिखे ना, ओड दिखे, उसको क्या करना है अपन को, डिफरेंट दिखने वाले को क्रॉस कर देना है। इसमें भी ये बैट है, ये बैट है, ये बैट है, ये बैट नहीं है, ये बैट है, ये बैट है, तो ये बैट नहीं है ना, तो इसको क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट स्पेरो है, ये स्पेरो नहीं है, स्पेरो 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 सारे स्पेरो, पर ये स्पेरो नहीं है, तो इसको क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट या अंटे सारे चीटी आए, यहाँ पे क्या आ गए, मेंढक आ गया, तो क्रॉस कर देना है फ्रॉग को, ठीक है। इक्वल 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 प्लस इक्वल इक्वल, तो इक्वल वाले सारे सेम है, यहाँ पे बीच में प्लस आ गया, तो प्लस वाले को क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर आज अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आपको जो मैंने करवाया है ना अभी, ये आपको यहाँ से लेके यहाँ पे तो काउंटिंग फिल करनी है, काउंट करके कि कितनी फिंगर है यहाँ पे, कि कितने पर्सन है, उस हिसाब से आप काउंट करके फिल कर दोगे। जैसे 1 एलिफेंट है, यहाँ पे 5 काइट है, ऐसे फिल करना है इन सब स्किल्स को, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे भी काउंट करके फिल करना है कि कितने बुक्स है, कितनी आइसक्रीम है, कितने ब्रिंजल है, और यहाँ पे क्या करोगे, ये बीच में काउंटिंग दी हुई है, और उसी हिसाब से यहाँ पे जैसे कितनी कैंडल्स है, काउंट करना है पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 10 से मैच कर दिया ना मैंने, ऐसे मैच करना है आपको काउंट करके। इधर तो काउंटिंग है, जैसे 2 मग है, तो इसको इसे घुमा के 2 तक ले आएंगे। 4 कितनी है, एप्पल 4 है ना, तो इसको ये 4 यहाँ पर है, तो 4 से मैच कर दिया मैंने। पम्पकिन कितना है, 1, तो 1 से मैच कर दिया। इसी तरीके से इनको मैच करना है, और ये वाले फिर आपको मैच करना है, और जो बच जाए ना इसमें, तो मतलब वहाँ पर जो क्या है, ज़्यादा रह गया, ज़्यादा रहने के लिए जो जिसमें ज़्यादा है ना जिस ग्रुप में, उसको क्रॉस कर देंगे।
जैसे इसमें ज़्यादा है, एक ये वाला छूट गया, बाकी सारे मैच हो गए, तो इसको क्रॉस कर दिया। और इसमें क्या हो गया, इसमें भी आप एक छूट गया तो इसको भी क्रॉस कर देंगे, या फिर इसमें दो छूट गए बाकी सब मैच कर दिए अपन ने लाइन खींच खींच के, ना ऐसे 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 फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये वाले छूट गए दोनों, तो ये वाला ग्रुप में ज़्यादा है ना, तो इसको क्रॉस कर दिया मैंने। फिर नेक्स्ट क्या है, इस वाली जो रो थी इसमें जो अलग दिख रहा है ना उसको क्रॉस करना है। जैसे ये बुक आ गई इसमें अलग, या पे इस पे रो थी, या पे यहाँ पे इस पे रो नहीं है तो उसको क्रॉस कर दिया, या पे फ्रॉग आ गया, मेंढक आ गया तो उसको क्रॉस कर दिया, या पे सब बराबर का चिन्ह था या फिर इक्वल का चिन्ह है तो बीच में प्लस का चिन्ह आ गया तो प्लस वाला चिन्ह क्रॉस कर दिया अपन ने, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करना है अपने बुक में ही। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सब चैप्टर समझ में आया होगा, और आगे अपन नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय।